पूर्वी और वीरेंद्र को एक बार फिर से अलग करने के लिए चलने वाली है अंजलि और प्रकाशी देवी बहुत बड़ी चाल, करेगी दक्ष का इस्तेमाल। वेल, मोल्की के अपकमिंग एपिसोड में अब वीरेंद्र और पूर्वी की जिंदगी कौन सा नया मोड़ लेने वाली है, आइए फटाफट से जान लेते हैं। दरअसल शो के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाने वाला है कि जहां पूर्वी ने फैसला कर लिया है कि वो ना तो वीरेंद्र के साथ वापस जाएगी और ना ही दक्ष के साथ में, वो अपने दोनों बच्चों के साथ में एक अलग जिंदगी और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वीरेंद्र यानी कि मुखी जी अपनी बावरी को रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि वो अपने बच्चों के बिना भी नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पर पूर्वी अपना फैसला नहीं बदलेगी, तो वहीं प्रकाशी देवी और अंजलि भी पहुँचेंगे और वो पूर्वी के साथ मीठी मीठी बातें करने की दोबारा से कोशिश करेगी। लेकिन जहाँ पूर्वी की अब याददाश्त आ चुकी है, ऐसे में वो प्रकाशी देवी से यही कहेगी कि आप अपना ये झूठा नाटक तो मत ही दिखाइए, कौन करता है अपनी बेटी के साथ ऐसा, आप तो मुझे अपनी बेटी मानती थी ना, लेकिन आपने अपनी बेटी के साथ ही ऐसा कर दिया। यहाँ पर दोस्तों पूर्वी अपने बच्चों के साथ ही जिंदगी बिताने का फैसला करेगी, लेकिन यहाँ पर अंजलि और प्रकाशी देवी पहले नानी को भड़काएंगे, उसके बाद में दक्ष को जाकर भड़काया जाएगा और उसे बार बार ऐसी बातें कही जाएगी ताकि वो पूर्वी की ओर ही वापस जाए और पूर्वी को अपना बनाने की कोशिश करे। दक्ष दरअसल बहुत ज़्यादा सदमे में होगा क्योंकि वो पूर्वी यानी ध्वनि से बहुत प्यार करता है और उसे शादी भी करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो इसी गम में दक्ष बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करेगा और इसी मौके का फ़ायदा उठाएगी प्रकाशी देवी और अंजलि और यहाँ पर उसे मजबूर कर देगी गलत कदम उठाने के लिए। दक्ष अब पूर्वी के कमरे में पहुँच जाएगा और ज़ोर ज़बरदस्ती से पूर्वी को अपना बनाने की भी कोशिश करेगा ताकि जब वीरेंद्र दक्ष और पूर्वी को एक साथ देखेगा अगर, तो ऑफ कोर्स ये बात है नया धमाका तो होगा ही, बड़ा धमाका तो होगा ही, लेकिन ऐसे में क्या वीरेंद्र अपनी बावरी पर ही विश्वास करेगा और देगा दक्ष को सज़ा, क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। टीवी शोज और बॉलीवुड के ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।